पढ़ेंगे कक्षा छह हिंदी का पाठ चार अक्षरों का महत्व। ये बच्चों एक निबंध है, आज हम पढ़ेंगे अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे कि अक्षरों का क्या महत्व है। इससे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं, तो चलिए लेखक परिचय देखेंगे। तो बच्चों ये निबंध जो है लेखक गुणाकर मुंडे जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जनपद के सिंधु बुजुर्ग नामक गांव में 3 जनवरी 1935 ईस्वी को हुआ। इन्होंने मराठी मूल के होने के बावजूद लेखन में हिंदी व साहित्य भाषाओं को माध्यम बनाया तथा 50 वर्ष से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया। इनकी करीब 35 पुस्तकें छपी हैं, जिनमें प्रमुख कौन कौन सी है वो देखेंगे, ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, संसार के महान गणितज्ञ आदि। इन्होंने हिंदी में लगभग 3000 व अंग्रेजी में 250 से अधिक लेख लिखे। 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। गुणाकर मुंडे जी एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक संपादन मंडल व नेशनल बुक ट्रस्ट की हिंदी प्रकाशन सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हें हिंदी अकादमी का साहित्य का सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार एवं बिहार की कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान मिल चुका है। तो ये था बच्चों इनका लेखक परिचय। अब हम आगे पाठ पढ़ते हैं। तो बच्चों हम पाठ शुरू करते हैं अक्षरों का महत्व, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है, तरह तरह के अक्षर। तो बच्चों ये पुस्तक ही क्या, सारी ही पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। अगर अक्षर ही नहीं होंगे तो पुस्तकों में क्या होगा, चित्र। लेकिन हम अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे कि पुस्तकों में अक्षर ही होते हैं, अक्षर ही नहीं होंगे तो पुस्तकें कैसे बनेंगी, समाचार पत्र कैसे बनेंगे। तो दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी है, हजारों पुस्तकें रोज छपती है, तरह तरह के अक्षर हजारों की तादाद में, यानी कि हजारों की संख्या में रोज समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। इन सब में मूल क्या है, इन सब में मूल है अक्षर। समाचार पत्रों में भी अक्षर छपते हैं और किताबों में भी अक्षर छपते हैं, मैगजीन में भी अक्षर छपते हैं। तो अक्षरों का इस जीवन में बहुत महत्व है। हम अक्षरों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता, यह कोई नहीं जानता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं, मतलब कोई कह सकता है कि अक्षरों को हम पहले से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पहले के लोग जो जानते हैं वो कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है। अगर अक्षर नहीं होते तो आज कैसा होता। तो पुराने जमाने के लोग सचमुच ही ये सोचते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने ही की है। और आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई है। पहले के लोग तो यही जानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन आज के समय में लोग जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि मानव ने ही की है, मनुष्य ने ही की है। और ये अक्षरों की खोज किस देश में कब हुई ये भी आजकल सब पता लग चुका है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो बच्चों पहले हमारी धरती कितने साल पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है, और 2-3 अरब साल धरती पर जीव जंतु ही, यानी कि जीव और वनस्पति ही थे, जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल बाद में
जानवर और वनस्पति यानी कि जानवर पेड़ पौधे ने इस धरती पर राज्य किया और आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और फिर धीरे धीरे इस धरती का विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। अब पहले के समय में कोई औजार भी नहीं हुआ करते थे तो वो खेती करने के लिए पत्थरों के औजार इसमें बनाना शुरू किए, फिर उसी से वो खेती करने लगा। फिर उसने पत्थरों के औजार बनाने के बाद में फिर उसने धीरे धीरे तांबे और तांसे के भी औजार बनाना उसने शुरू किए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। पहले के इतिहास में मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए मतलब चित्र बनाकर ही एक दूसरे को भाव व्यक्त करते थे, जैसे कि पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र बनाकर ही वो एक दूसरे से अपनी बात कह लेते थे, अपने भाव व्यक्त करते थे। इन चित्र संदेश संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जब इन चित्रों के संकेत मिलने लगे तो फिर इसके जो भाव थे वो सामने आने लगे, जैसे कि एक छोटे वृत्त के चारों ओर की किरणें की घोतक रेखाएं यानी घोतक यानी सूचक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बनाता है। जैसे कि हम एक गोलाकार सर्कल बनाते हैं तो उसके चारों ओर जो किरणें होती हैं रेखाएं होती हैं वो किस तरह का चित्र बनेगा, सूर्य की तरह चित्र बनेगा। बाद में यही चित्र ताप और धूप या ताप या धूप का सूचक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, इस तरह के अनेक भाव अस्तित्व में आने लगे। तब जाकर काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल ही हुए थे, केवल 6,000 साल। जब मनुष्य ने जन्म लिया इस धरती पर तो 6,000 साल पहले ही हुआ था और तभी से अक्षरों तो मनुष्य का जन्म तो 5 लाख साल पहले हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मानव ने औजार पत्थरों के औजार बनाना शुरू किए और उसके बाद में वो तांबे के कांसे के वो औजार बनाना शुरू किया और खेती करना शुरू की। फिर उसके बाद में वो एक दूसरे को चित्र बनाकर वो अपने भाव व्यक्त करने लगे। फिर उसके बाद में उन्होंने एक वृत्त का चित्र बनाया, उसके चारों तरफ जो रेखाएं खींची गई उसे वो सूर्य की तरह वो बनने लगी तो सूर्य का भाव प्रकट होने लगा। फिर उसके बाद में अक्षरों की खोज के सिलसिले में 6,000 साल पहले उसकी शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज के साथ साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। पहले अक्षरों की खोज हुई, उसके बाद में एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास प्रारंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से ही शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिल जाते हैं। तो इतिहास कैसे शुरू होगा, इतिहास में अगर हम कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, पहले के समय में हम कुछ लिखना नहीं जानते थे, तो जब अक्षरों की शुरुआत नहीं हुई थी, अक्षरों का जन्म नहीं हुआ था, तो उस समय इतिहास कैसे बनता, क्योंकि अक्षर नहीं थे। तब अक्षरों का विकास, अक्षरों का जन्म हुआ, अक्षरों का विकास हुआ, उसके बाद में ही धीरे धीरे मानव किताबों को और अपने विचारों को किताबों में लिखने लगा और फिर उसके बाद में धीरे धीरे इतिहास प्रारंभ हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल ही हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। अगर किसी अक्षरों की खोज नहीं होती तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते और हम ये नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन से राजा हुआ करते थे आदि आदि। अगर अक्षर नहीं होती, हमें ज्ञान किससे मिलता है, किताबों से।
क्योंकि अगर किताबें ही नहीं होती, अक्षर ही नहीं होता, हमें तो पहले हमारे इतिहास के बारे में हम किस तरह से जान पाते, अक्षरों के जरिए ही हम जान पाते हैं। वो अक्षर ही किताबों में लिखे जाते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग भाषाएं लिखी जाती है, अलग अलग तरह के अक्षर लिखे जाते हैं। तो अगर अक्षर ही नहीं होती तो हमें इतिहास का पता नहीं रहता कि पहले के आदमी कैसे रहते थे, लोग क्या सोचते थे, क्या करते थे, पहले राजा कैसे हुआ करते थे आदि आदि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। ये हमने आपको भी पहले भी बताया था कि अक्षरों की खोज आदमी अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता था, फिर वो लिखने लगा, उसके बाद में वो धीरे धीरे सभ्य बनने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में करने लगे। इस तरह से अक्षरों का जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी में होने के बाद में अगली पीढ़ी में वो विकसित होने लगा। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अक्षरों की खोज करने के बाद में उसके बाद मानव का तेजी से विकास होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी हमें बहुत जरूरी है। तो ये था बच्चों निबंध अक्षरों का महत्व। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो बच्चों हमने आज अक्षरों का महत्व जाना कि अगर अक्षर नहीं होते तो आज हम कुछ भी नहीं समझ पाते, इतिहास के बारे में नहीं जान पाते और हमारी जो पीढ़ी का जो सभ्य विकास हुआ है, जो मानव का विकास होने लगा है सभ्य पीढ़ी का, वो नहीं हो पाता। इसलिए सबसे बड़ी खोज मानव की अक्षरों की खोज है, वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे शब्द बोध। तादाद यानी कि संख्या, अनादिकाल से जो सदा से चला आ रहा हो, अनादिकाल। आगे ऐतिहासिक मानव, इतिहास में वर्णित काल के पूर्व मानव, यानी कि इतिहास में जो वर्णित काल है उसके पूर्व में जो मानव होता है उसे प्रागैतिक मानव कहते हैं। द्योतक यानी सूचक, सिलसिला यानी कि क्रम, पीढ़ी किसी जाति या कुल या व्यक्ति की वंश परंपरा की कोई कड़ी। तो बच्चों हम आगे पढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों से उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके लिखे, यानी मूल शब्द और उपसर्ग को हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि अनुचित है, अब अनुचित में क्या लिखेंगे, अन प्लस उचित, अनुचित, अपरिचित, अपरिचित, असफल, असफल, ऐसे ही आगे करेंगे। अनावश्यक का होगा अन प्लस आवश्यक, अनिच्छा अन प्लस इच्छा, अदृश्य अ प्लस दृश्य। ऐसे ही नीचे लिखे शब्दों में अ प्लस अ अथवा अन उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। अब हमें आगे ये शब्द दिए गए हैं, इसमें अ, अब आगे जो उपसर्ग दे रखे हैं अ और अन, ये दोनों उपसर्ग लगाकर हमें नए उपसर्ग प्रत्यलाकर नए उपसर्ग बनाने हैं। जैसे कि न्याय, तो यहाँ पे होगा अन्याय, यह धर्म, तो यहाँ हो जाएगा अधर्म, विकसित अविकसित, प्रसन्न अप्रसन्न, अप्रसन्न,
और प्रसन्न। अब एक है तो इसको बनाएंगे अनेक। व्यवस्था अव्यवस्था होनी अनहोनी मोल अनमोल। तो इस तरह से बच्चों हमने शब्द बनाए। अब हम आगे मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।